हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मुनगे की सब्ज़ी। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार का होता है मुनगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी आँखों की रोशनी के लिए और भी काफ़ी चीज़ों के लिए। आप इसके बारे में गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं इसका। यहाँ तक कि पत्ता भी जो होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके पत्ते के साबुन और भी कई चीज़ें बनती हैं। इसके पत्ते यहाँ तक कि विदेशों में पैक करके बहुत ही महंगे दामों में बेचे भी जाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इसकी सब्ज़ी। तो ये है मुनगा हमारा, जो कि अभी छोटे छोटे, अभी बहुत ज़्यादा ये खिंचे हैं, तो इनकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये हमारा मुनगा है। तो इसे हमें कैसे काटना है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। नीचे का जो पोर्शन है आपको काट कर हटा देना है। पहले से कट कर कर रखा हुआ है, इस तरह से इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद 2-3 पानी से अच्छे से इन्हें धोकर साफ़ कर लेना है। उसके बाद हल्का सा मैंने इनमें पानी डाला है कि अच्छे से भीग जाए। और अब हम इसे गैस पर रखेंगे और एक उबाल आने तक उबाल लेंगे ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद बनाएंगे हम मुनगे की सब्ज़ी, जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आँखों की रोशनी के लिए स्पेशली बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आँख की रोशनी मुनगा खाने से तेज़ होती है। तो जब तक सीजन है इसका, आप इसे मंगाकर बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे तो बहुत स्वादिष्ट भी लगती है। तो चलिए, आज मैं आपके साथ मुनगे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मुनगा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। सबसे पहले अच्छे से तेल को गरम कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच पीला सरसों, या आपके पास काला राई है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्च डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें मुनगा ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और कढ़ाई आप देख सकते हैं, आपको हल्का सा गंदा दिख रहा होगा, ये एक्चुअली मैंने इसमें तुरंत अभी आलू का भुजिया बनाया था तो इसलिए ये इस तरह का दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि इसी में बना लेते हैं। और अब मुनगा ऐड करने के बाद मुनगा को हमको मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से इसे हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है। और हमने इसे ढक दिया है एक ढक्कन से और बीच बीच में इसे हम चेक करते हुए चलाते हुए अच्छे से इसे भून लेंगे। कितना भूनना है वो मैं आपको दिखा दूँगी। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो सारा नमक हमने इसी टाइम पर डाल दिया है ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और फ्राई भी हो जाए। और इसे हम बस अब 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे। बहुत भी ज़्यादा इन्हें हम फ्राई कर कर लाल नहीं करेंगे, इससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो हल्का सा हम इन्हें ढक कर 1 से 2 मिनट बस पका लेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट इसे भूनने के बाद, अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसी स्टेज पर हम इसमें जो मसाला हमने तैयार कर कर रखा था वो ऐड कर देंगे और इसी टाइम पे हम इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून के करीब, या जितना आप क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके हिसाब से आप मसालों का इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी और 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और एक बार आप मुनगे की सब्ज़ी इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है और फ़ायदेमंद भी बहुत है आँखों की रोशनी के लिए भी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और अभी से देखिए बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है अभी से ही। और अब हमें इसे क्या करना है, ढक कर बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से मसाले को हमें भून लेना है।
तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने इसे एक बार ढक्कन हटाकर और चलाया है, और ये देखिए अच्छे से ये पक रहा है। और जैसे जैसे ये पकेगा कलर इसका और भी प्यारा होते जाएगा, कलर और निखर कर आएगा। तो इसे मैंने वापस से चला दिया है और वापस से ढक कर इसे पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ देखिए दोस्तों, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज हो चुका है। और अब हम इसमें इस स्टेज पर ऐड कर देंगे पानी, और आप चाहें तो इसे सूखा भी रख सकते हैं। तो मैं आज इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं, और ये देखिए कलर। अच्छे से हमने इसे मिला दिया है, और अब हम इसे ढककर वापस से मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पका लेंगे, जब तक हमारा ग्रेवी जो है हल्का सा थिक ना हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, 5 से 10 मिनट पकाने के बाद हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आया है, और खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं एक बार इसे निकाल कर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे मुनगे की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये देखिए आप इसे बिना पानी के भी बना सकते हैं। मैंने आज पानी इसमें डाल दिया है क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला खाना था। और चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो हमारे मुनगे की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।